नमस्कार, आपका प्रेम खेती खलियान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक गांव में आए हुए हैं जहां बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे साथ में काफ़ी किसान भाई मौजूद हैं जो अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं। और ये धान की फसल को देखो, ये खेत से निकाल करके ये सड़कों पर डाल रहे हैं और ये चारपाई वगैरह इसमें रख रखी है, चारपाई पर रख रहे हैं और खेत से पानी भी निकाल रहे हैं जिससे पानी कम हो जाए और अपनी फसल को वो बचा सकें। इसी के साथ ही हम किसान की जुबानी किसानों से ही पूछते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? राजीव। ये आपका खेत है? हाँ, ये हमारे खेत है। अच्छा, नुकसान तो काफ़ी हो रखा है आपका। और बड़े मुश्किल से तो ये पाले, तेल वेल बेच गए जो थोड़ा हुआ था, कर्जा उर्जा ले कर पाले ही, अब ये फसल आ गई तो ये सब ख़त्म हो गया और सब में पानी पानी है। ये पूरी एरिया में पानी है? पूरे एरिया में सब में पानी है, इधर सब में, इधर सब में पानी पानी है, वहाँ तक सब में सब फसल नष्ट हो गई। इंजन से निकालना है पानी। अच्छा, इस पानी को निकाल ले, इंजन से निकाल रखा पानी? हाँ, इंजन से निकालना है जो थोड़े बहुत बच जाए। अब ये धान ना आदमी खाने का रहे ना, जो फसल त्राल भी जानवरों का खाने का नहीं दिया, ये बेकार ही हो गया सब। मतलब जो बारिश हुई है उससे ये निकाल के सूखे में डाल रहे हैं इसको, अनाज को, लेकिन जो उसका जो पुआल होता है ये बता रहे कि पशुओं को हम लोग खिलाते थे। ये तो खराब हो गया सर। ये खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया। अब इसे पशुओं को भी नहीं खिला सकते? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बेकार हो गया धान ही, बेकार हो गया। ये धान तो पानी में निकालने हैं, कहाँ से लाएंगे बताओ? क्या करे इतनी महंगाई में, डीजल ऐसे तैसे करके साला ये पाला पूले कोशिश करी और फिर अब ये बाढ़ शुरू हो गई। ये तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ये तो गया, मतलब अनाज भी गया हमारा, जो पुआल वगैरह बनता था पशुओं खिलाने के लिए वो भी हमारा चला गया, सब चीज़ चली गई सर। और अगली जो बुआई करते हैं उसके लिए तो और फसल भी लाइट है, ये पानी का 15-20 दिन में सूखेगा, क्या करें। तो ये नुकसान काफ़ी हुआ आप किसान भाइयों का। ये लाइए ख़त्म हो गई, आलू ख़त्म हो गया, मटर खत्म, जो फसल की बुआई करी थी, बीज डाला था, सरसों की बुआई करी थी, तो वो भी सब खत्म, वो भी हमारे नुकसान हो गया है। तो काफ़ी किसान दुखी है, काफ़ी परेशान हैं। क्या कर रहे हैं सर बताइए, मजबूर हैं, बैठे पड़े हैं आप। ये तो दिख ही रहा है, सरकार को खुद ही फैसला करना है उसको। आपके अभी खेत में पानी भरा हुआ है? और धान था आपका? धान पूरा, इसमें क्या है सर? पानी भरा हुआ है, धान निकाल रहे हैं पानी में से। जैसे ये भरा हुआ है ऐसे आपका भी? ऐसे ही भरा हुआ है, ऐसे सब में भरा हुआ है, सब में भरा हुआ है, पूरा पूरे इलाके में पानी पानी है, सब में खराब हो गया है। जब में अभी तो बादल सर्वे करो, बादल अभी तो पूरे इलाके में पानी पानी है और डीजल भी महंगा है, बड़ी मुश्किल में तो पाला आई है रुद्रपुर में, ये समझ लो इतना पानी ऊपर से छुटा है अभी कि बाढ़ आ गई डैम से। ये किसानों का दर्द है और जो काफ़ी नुकसान हुआ है किसान भाइयों का, और जो किसान भाई उसको कर रहे हैं, जो भी जो अनाज इनका निकल आएगा उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उनके है जो निकल आए उसका, लेकिन लागत भी काफ़ी लगी इनकी, लागत तुम्हारे तो बैठ